दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनबॉक्स में। दोस्तों आपने हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों भारतीय रेलवे यात्राओं के बेहतर कम समय में यात्रा कराने के लिए हाई स्पीड ट्रेन का संचालन कर रहा है। रेलवे के प्लान में वंदे भारत एक्सप्रेस वे के अलावा सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन भी है, जो देश के तीन रूटों पर फर्राटा भरेगी। गोली सी रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन पटरियों में दौड़ेगी। अब घंटों का समय मिनटों में पूरा होगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लिमिटेड ने बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे होने का दावा किया है। पहला प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद और दूसरा हावड़ा से बिहार होते हुए नई दिल्ली तक जाएगा, जबकि तीसरा दिल्ली से अमृतसर तक होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली होते हुए अहमदाबाद की ओर जाएगी। साल 2026 तक दक्षिण गुजरात के सूरत और बिलीमोरा के बीच बुलेट ट्रेन का पहला चरण शुरू कर दिया जाएगा। इसके बन जाने से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी महज 127 मिनट में कवर होगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 12 स्टेशन हैं, जिसमें मुंबई, ठाणे, बिरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद, साबरमती शामिल हैं। बिहार टू दिल्ली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का रूट तय हो गया है। पश्चिम बंगाल से बिहार और दिल्ली के बीच के लोग हवा में बातें करेंगे। लगभग 1500 किलोमीटर रूट के लिए स्पेशल चिन्हित कर लिए गए हैं। बिहार के बक्सर, आरा, पटना और गया में बुलेट ट्रेन के स्टॉपेज होंगे। उधर दिल्ली से शुरू होकर ये ट्रेन मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, पटना, गया से गुजरते हुए हावड़ा तक पहुंचेगी। इसके निर्माण से 350 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हावड़ा से दिल्ली की दूरी महज 5 घंटे में पूरी होगी। बिहार में बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू होगा और ट्रेन का निर्माण साल 2026 में शुरू करने का प्लान है। उम्मीद है कि साल 2030 तक इस हाई स्पीड ट्रेन को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, यानी 2030 तक बिहार और यूपी वासियों का बुलेट ट्रेन का सपना साकार हो सकेगा। दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन 465 किलोमीटर की प्रस्तावित हाई स्पीड रेल लाइन है, जो दिल्ली चंडीगढ़ और अमृतसर को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के 13 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। हालांकि इस परियोजना की लागत तय नहीं हुई है। NHSRCL के मुताबिक इस परियोजना के लिए सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रतिक्रिया शुरू की जाएगी। परियोजना का निर्माण 2025 में शुरू होने की संभावना है। दिल्ली से अमृतसर तक की दूरी 775 किलोमीटर है। इस रूट पर कुल 10 स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, व्यास और अमृतसर शामिल हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।